उत्तराखंड राज्य में बने अब 22 साल हो गए हैं। जब यह राज्य बना था तब लोगों ने उम्मीद की थी कि इससे पहाड़ आबाद होंगे, परंतु आज पहाड़ आबाद नहीं, वीरान हो रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने खुद अपनी कई रिपोर्ट्स में बताया है कि प्रदेश के सैकड़ों गांव घोस्ट विलेज यानी भूतिया गांव बन गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई भूत या प्रेत रहते हैं, बल्कि इन गांवों में अब इंसानी आबादी नहीं रहती है, जो अपने आप में किसी भी राज्य के लिए शर्मनाक है। हालांकि सरकार ने इससे निपटने के लिए पलायन आयोग भी बनाया, लेकिन वो भी सिर्फ कागजों पर ही नीति बनाता रहा, धरातल पर कुछ होता नहीं दिखा। न्यूज क्लिक की चुनावी टीम ने ऐसे ही एक गांव खोला का दौरा किया जो गढ़वाल के श्रीनगर शहर से कुछ 5-6 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां से लोग बड़ी संख्या में गांव से पलायन कर जा चुके हैं और अब गांव में केवल बुजुर्ग और महिलाएं बची हैं। हालात तो बहुत अच्छे नहीं है। पहले तो 400-500 400-500 लोगों की जनसंख्या थी और अब घटते घटते 150-150 पे आ गई है। मतलब परिवारों में कमी तो कम हुई है, लेकिन अब जैसे जो परिवारों में बिठा रहे, एक बुढ़े एक बुढ़िया, ऐसे परिवार के नाम पे चूल्हा तो है, लेकिन उनके जो आगे की पीढ़ी है वो सारी बाहर चली गई। बुजुर्ग बचे हैं, नौजवान सारे बाहर चले गए। पहले तो बहुत ज़्यादा थे, 100-101 परिवार रहते थे, अब तो 20-30 ही है, सब बाहर बस गए। बाहर तो जाना ही है, अब बच्चों को पढ़ाना है, वो है तब स्कूल। हाँ जी भाई, क्या है, अब नौकरी है तो जाना ही है। उन्होंने नौकरी कहाँ है, यहाँ नौकरी होती रहते नहीं। अमूमन जो है, जब रोजगार नहीं होगा तो आदमी पलायन करेगा, नेचुरली बात है। तो पलायन करने, जब यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग बाहर जाते हैं, और जो बाहर गए उन्होंने थोड़ी बहुत ज़मीन कहीं पे देखी, उसके बाद वहाँ बस गए, तो गांव इस तरह खाली होता जा रहा है। आपके सामने ये सारे खंडर ही था। खेती बाड़ी कुछ कोई नहीं करता है, खेती बाड़ी नहीं है, पहले करते थे, सभी करते थे। अब तो नो हल लगाने वाले हैं ना कोई है, तो अब क्या, लोग ही नहीं है तो अब क्या करना। पहले खेती करते थे, हम लोगों ने भी की है खेती, तो यहाँ से कहीं मेहनत तो बहुत थी। पहले तो पुरुषों का पलायन हुआ, तो जिन्होंने हल जोतना था वो करना था वो रहे नहीं, फिर हम दूसरे गांव से हल जोतने के लिए लोगों को बुलाते थे, तो वो लोग तब आते थे जब उनका सीजन थोड़ा ऑफ होने लग जाता, क्योंकि पहले वो अपनी खेती करते थे उसके बाद यहाँ आते थे। फिर धीरे धीरे उससे जब हुई नहीं खेती टाइम से, हल नहीं मिला, हल जोत नहीं मिले, तो उसके बाद हम लोगों का भी मन धीरे धीरे हटने लगा। फिर कभी किसी ने छोड़े खेत, कभी किसी ने छोड़े, उसके बाद जो बीच बीच में किसी ने किए भी तो जंगली जानवरों ने खा दिए। मतलब पकते पकते खेत में दाना हाथ में आते आते कुछ बचा ही नहीं, तो फिर सबका मन हट गया वो खेती करने से। नहीं, कोरोना में भी बहुत कम लोग आए, अमूमन इस गाँव में तो बहुत कम आए, क्योंकि लोग भारी इस्टेब्लिश हो चुके हैं। हाँ जी हाँ जी, और कोई जैसे छोटी मोटी अगर फार्म में कोई काम कर रहा था तब ज़्यादा ही प्रॉब्लम आई फर्स्ट पेज में, तो उस समय एक बंदा आया होगा घर में, बाकी मतलब अमूमन वो ही थे जो आए, वापस रुके, फिर वापस चले गए, क्योंकि जॉब नहीं है। आप भी देख ही रहे हो, सारा गांव मतलब खंडर ही पड़ा हुआ, खेती बाड़ी की स्थिति डामाडोल ही है। कि पहले तो कहीं भी जाते, जैसे जंगल जाना था, सभी लोग गाय गुया रखते थे, दूध अपना घर का हो जाता था, तो अब जंगल गांव में लोग हैं नहीं, गैस घर घर में आ गए हैं, तो जंगल बढ़ गया, जंगल बढ़ गया तो अब लोग कम हो गए, तो जंगलों में अकेले जाने में हर कोई डरता है। मतलब ये है कि अब घरों में भी जंगली जानवरों से हम सुरक्षित नहीं हैं कभी भी। अभी एक दिन तो मैं यहीं पर बैठी हुई थी 4:00 और बाघ यहाँ इस रास्ते में खड़ा हो रखा, तो बताओ हम किस तरह से सुरक्षित हैं। जंगली जानवरों को तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा डर हो रखा है ना, एक तो ये हो गया, फिर रहन सहन में भी अब घर में पानी बिजली सब कुछ हो गया, लेकिन लोग मतलब आपस में थोड़ा मिलना जुलना, जब गायें बच्चियाँ नहीं रखे इधर उधर नहीं गए, तो मिलना जुलना भी थोड़ा पहले से कम हो गया ना। हम जब इस गांव में घूम रहे थे तभी हमारी नज़र एक नौजवान पर पड़ी जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का पटका पहने हुए था। हमने उससे बात की
तो उन्होंने अपना नाम भास्कर बताया और कहा वो भी दिल्ली में ही रहते हैं। यहाँ वो अभी अपने किसी रिश्तेदार की शादी में आए थे और वो 12 तारीख से पहले वापस चले जाएंगे, जबकि राज्य में 14 फरवरी को मतदान होना है। सरकार को उसको कुछ ना कुछ यहाँ रोजगार करने चाहिए, आगे बढ़ावा देना चाहिए लड़कों को, बेरोजगारों को की करने के लिए वो चीज़ें हों, और सरकार अगर साथ दे तो लोग यहीं काम करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे 20 साल से तो खेती बंद है हमारे गांव में, तो बिल्कुल नहीं, पूरे जंगल हो गए, जबकि 20 साल पहले पूरे खेत थे, यहाँ से लेके नीचे तक पूरे खेत सबने छोड़ दी। क्यों? खेती इसलिए छोटी, खेती करते हैं रात को जंगली जानवर आते हैं उड़ के चले जाते हैं, वो उनको फ़ायदा हुआ नहीं, उन्होंने खेती बंद कर दी हम लोगों ने। तो अगर इन चीज़ों पर अगर ध्यान दें तो अभी भी प्लान थोड़ा रुक सकता है, लोग वापस आ सकते हैं अगर कुछ देते हैं ये बेहतर, तो बिल्कुल कोई नहीं चाहता सर बाहर रह के, चाहे कोई भी कर ले, नौकरी नौकरी ही होती है। वो बोलते हैं ना कि बाहर बहुत ऐसे हैं, बाहर पता चलता है कि क्या होता है, जब सुबह निकलो घर से और रात को आओ। तो ये चीज़ें अगर यहाँ पे रोके, मैं भी चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आके कुछ करूँ, पर वो नहीं है ना, अपना एक भविष्य निधि नहीं रहा बच्चों, हाँ पढ़ाई के लिए है कि उसमें। अब जैसे ये चीज़ें अगर थोड़ा टाइम पहले हो जाती है तो बहुत चीज़ें होती हैं, आज की डेट में हर किसी को सोचो तो क्या कहते हैं कि या तो हम देहरादून जाएंगे या तो दिल्ली जाएंगे। राज्य में पलायन की गंभीर स्थिति को देखते हुए गांवों से पलायन को रोकने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 17 सितंबर 2017 को पलायन आयोग का गठन किया था। साल 2018 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसे बाद में सरकार ने सार्वजनिक किया था। इसमें कई गंभीर खुलासे हुए थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक रुद्रप्रयाग, टेहरी और पौड़ी में सबसे अधिक पलायन हुआ। इस आयोग ने राज्य के 7,950 ग्राम पंचायतों का सर्वे किया और एक विस्तृत रिपोर्ट दी, जिसमें पलायन के कारण और उसे रोकने के भी उपाय बताए थे। इस रिपोर्ट में बताया कि राज्य में करीब 1,000 गांव भूतिया गांव बन चुके हैं। यहां लोग आने के लिए बहुत कम तैयार होंगे। वो क्यों होंगे कि जो हमारी जमीनें हैं उनके पुराने टाइम से हिस्से नहीं हो रखे हैं, और जब हिस्से नहीं हो रखे हैं तो उनके जैसे दादा बाहर गए, बच्चों जिनके अब दादा हो गए हैं, उन्होंने उन्हीं को अपने खेतों का पता नहीं है। और अब हम उस युवा पीढ़ी को कहेंगे कि वो गांव में आने के लिए सोचेंगे तो उन्हें तो ये भी नहीं पता कि हमारे खेत कहाँ पे हैं, हमारा घर उनके सारे टूट चुके हैं, उन्हें कोई बताने वाला है नहीं, तो किस तरह से आएंगे वो लोग यहाँ। अरे मुश्किल है सरकार का, सर कौन सा सरकार, सरकार तो क्या करना है, सरकार ने भी सरकार ने कुछ अच्छा किया हुआ अच्छा क्या कर रही है सरकार,